अब तक आपने देखा सरोजनी दिल्ली में अपने मामा मामी के साथ रहने वाली एक मिडिल क्लास खुददार लड़की है। दूसरी तरफ है सोमेंद्र जो लड़कियों को छेड़ता है और मन चला है, और उसका बाप दुष्यंत सिंह जो प्रतापगढ़ में रहता है और अपने परिवार पर कठोर अनुशासन चलाता है। यहाँ सोमेंद्र और सरोजनी के बीच बाइक स्टार्ट होने की शर्त लगती है और सोमेंद्र शर्त जीत जाता है और सरोजनी अपने मामा से कहती है, मैं जाऊंगी पुलिस स्टेशन मामा जी। अब देखिए आगे। अरे अम्मा, ओ निर्जला, अम्मा, ओए सपना बहू, इंदिरा कहाँ हो, सब जल्दी आओ। अम्मा, अरे कहाँ हो साहब? क्या बात है बबुआ? क्या हुआ, कुछ बात करनी है का? अरे बात करने के लिए तो बड़ा जीभ लपलप आ रहा है। बात नहीं करनी है, कुछ सामान लाए, खुश हो जाओगी देख के। देखो, हेलो दोनों, 6 महीने तक मुंह मत खोलना कोई भी। गाड़ी है तुम्हारा? हाँ सुनो, धोते हुए सावधानी, कस के मत घिस देना नहीं तो फट जाएगी। अभी पैबंद लगा के पहनना अच्छा नहीं लगेगा। और साल में 2 साड़ी का कोटा है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा एकदम। और वैसे भी एक समझदार औरत साड़ी कम से कम 3 साल चलाती है। चलाती है कि नहीं? कितने साल? 3। हाँ, इसलिए संभल के धोया करो, साबुन सरफ का भी बचत होगा और साड़ी भी एकदम चकाचक। बाकी ईका बाबूजी, आप फिर से एक ही रंग की साड़ी ले आए? लगता है घर में नहीं आश्रम में है वाली औरत है, हम सब सभी एक ही रंग की साड़ी है ना, तो काहे आपस में बदला बदली हुई जाती है, पता ही नहीं चलता कौन सी साड़ी किसकी है। यही तो चाहते हैं हम, इस घर में भेदभाव ना रहे, पता ना चले कि किसका कितना अच्छा है और किसका कितना बुरा है, ना ही किसी की चीज किसी से खराब रहे ना अच्छी रहे, सब बराबर संभव। ऐसे ही एकता बढ़ेगी, भेदभाव मिटेगा, घर में अमन चैन का माहौल बना रहेगा। लेकिन फिर से पत्रिका साड़ी का है लाए? बतार काटी कुकुर मुही, प्रतापगढ़ की रानी हो, सिल्क की साड़ी पहनेगी, बनारसी लाए तुम्हारे लिए, हमारे पसंद पे सवाल पैदा कर रही है। नहीं लोगी ना तो गेरुआ पहना के धक्का देकर बैठा देंगे मंदिर में, राम नाम जपना वहीं पे। इनको पतरा वाली दिख रही और भी लाए हैं साज श्रृंगार का सामान। आए हकमत पीछे, और तुम्हारे लिए लिपस्टिक, ये बिंदी, ये पाउडर, तुम्हारी उम्र सजने धजने की। आए लिपस्टिक लगाओ, पर हमारे लोंडे को लिपस्टिक में लपेट मत लेना, काम हर्जा होता है। और तुम वही, तुम्हारी तो उम्र है नहीं होटलाली का, कि काहे कि जेके इतने बड़े बड़े लाल, उसको होटलाली शोभा नहीं देती। बिंदी एक पत्ता और पाउडर, बस 6 महीने का कोटा पूरा, ठीक है? और माताराम तुम, तुम्हारी उम्र तो पाउडर वाली भी ना रही, पर क्या है पिता जान टुकुर टुकुर ताकते रहते हैं, तो ये बिंदी लगा देना, उनके दिल को तसल्ली पहुंचेगी, लगेगा हम हैं। लो अरे बिटिया इंदिरा, कैसी है तबीयत? तुमको अभी मानसिक शांति की बहुत जरूरत है, पूजा पाठ करो। इधर आ। तुम्हारे लिए लाए हैं घंटी, इसे पूजा के समय बजाया करो।
इसकी आवाज तुम्हारे भटके हुए मन को खींच के लाएगी। तुम साक्षात देवी हो, इसलिए बुरा ख्याल मन में लाना ही मत, नहीं तो बेटा अंदर की देवी नाराज हो जाएगी। और जब भी मन में कोनो बुरा ख्याल आए तो एक घंटी बजा ले लगना, ऐसे ऐसे। तुम देवी अवतार हो बिटिया, इस घर इस परिवार के कल्याण के लिए तुम्हारा जन्म हुआ। तुम दुनियादारी और नाशकर्ता से ऊपर हो, सारे प्राणी सारे जीव तुम्हारे पैरों के धूल हैं बच्ची, इसलिए कभी भी ये शादी ब्याह का ख्याल मत लाना है? इन विचारों के बारे में मत सोचना बच्ची। ले 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 बेटा इंदिरा, जय इंदिरा मैया की, जय इंदिरा मैया की, जय जय। कहा बुढ़ा, हम तो गांव देहात के हैं, 3 साल से ई एक के रंग की जिंदगी निभा रहे हैं अम्मा, पर सुमेंद्र बबुआ जी की शादी कहीं ऐसी लड़की से हो गई जो शहर शहरात की हो, उन्हीं की तरह पढ़ी लिखी हो, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी बाबूजी का ई शासन? तू तो ठेंगा दिखाएगी, ठेंगा। सर वो कॉलेज के गेट के बाहर बैठता है और हर लड़की को परेशान करता है, 2 दिन से मेरे पीछे पड़ गया, जहाँ जाती हूँ वहाँ चलाता है सर, उसकी बदतमीजी की कोई लिमिट ही नहीं है सर, और जब से इसको मेरे साथ देखा है इसे भी धमकी दे रहा है। तो जब वो इन्हें छेड़ता है तो आप क्या करते हैं? सर मैं, सर मैं वो क्या है सर, आप रहने दीजिए, आप बोलिए। सर वो इतना बदतमीज है कि उसे कोई कुछ नहीं बोलता, हर कोई उससे बच कर चलता है सर, कॉलेज की हर लड़कियों के लिए प्रॉब्लम है वो। तुम्हें हर लड़की से क्या करना है, अपनी बात करो ना। सर सर आप प्लीज उसे कॉलेज के गेट के पास बैठने से रोक लीजिए, अगर दोबारा मेरे पास आया ना तो छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। ये हुई ना बात, यही अप्रोच चाहिए। सर आप प्लीज कुछ कीजिए ना। बिल्कुल, हम चलेंगे और जब वो कॉलेज के बाहर बैठा रहता है उसको वहीं मिलेंगे और उसे पकड़ के ऐसी मार मारेंगे कि वो लड़कियों को छेड़ना तो दूर उन्हें देखेगा भी नहीं, सारी मजनूगिरी निकाल देंगे उसकी। आप लोग चलिए, हम वहीं मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर। अरे महाराज इतना मेहनत काय करिएगा इतना पेड़ पे लटकाने के लिए, इसके पैर में रस्सी बांधिएगा, फिर आप पेड़ पे चढ़िएगा, फिर रस्सी घुमाइएगा, फिर नीचे आइएगा और नीचे से खींचिएगा। से बढ़िया है कि तमंचा लीजिए मुंह में डालिए और ठाए ठाए ठाए। ये बढ़िया आइडिया बताया, इसका झूठ क्या बोलना भी बंद हो जाएगा। नहीं मालिक, नहीं मालिक, मैं चोर नहीं हूँ साहब, मैं चोर नहीं हूँ, हमका मत मरवाइए साहब। तेरी माँ को चोर ले जाए, कहाँ से पैसा आया रे, इतना बेटे को शहर भेज रहा है पढ़ाने के लिए? 2 कौड़ी का आदमी है तू, तेरी औकात क्या है जो बच्चे को शहर पढ़ाए? खेला है बच्चे को शहर में पढ़ाना, हमारा तेल निकल जा रहा है सुमंदर को पढ़ाने में साला। मेहनत मजदूरी करके भेज रहा हूँ अपने बच्चे को साहब, मियाँ बीवी दोनों दिन रात काम करके पैसा इकट्ठा करते हैं साहब, बस एक ही सपना है मेरा साहब कि हमारे बेटवा पढ़ लिख ले साहब, एक ही सपना साला। इतना डेंजर सपना देखने का परमिट कहाँ से मिल गया रे तुमको? यहाँ तुम्हारा रामायण सुनने नहीं बैठे हैं, समझ गया? तू अपने लौंडे को बाहर पढ़ने नहीं भेजेगा, वो भी तुम्हारी तरह मेहनत करके रोटी खाएगा, तुम्हारा मदद करेगा, यही गाँव में रहेगा। गाँव के लिए एक सुमिंदर काफी है, सुमिंदर पढ़ के पूरे गाँव का नाम रोशन कर देगा। 77 गो ढिबरी जलाने से बढ़िया है ना एक हैलोजन जला दे, है? हमारा सुमिंदर हैलोजन है, वो दिल्ली में जल रहा है, समझ गया? समझ गया ना ठाकुर साहब ने जो कहा। हमारे बेटवा शहर नहीं भेजेंगे मालिक, सुमिंदर बाबू के पढ़ाई पर ही हम अपना सबर कर लेंगे मालिक। हाँ, अब किया कायदे का बात। ठंडा पानी लाओ, इसको ठंडा पानी पिएगा? छोड़ दो, मत लाओ, ठीक। सुनो जी मालिक, सुमिंदर का जय जयकार करो, हाँ जाओ जाओ। ए सलाम कौन करेगा? नहीं मालिक, मालिक साला ही गांव में और भी कौन लौंडा पढ़ लिया तो हमारे सुमिंदर का महत्व तो कम हो जाएगा, ये गांव में हमारा सुमिंदर अकेला पढ़ा लिखा रहेगा। इतना पैसा खर्च किया उनकी पढ़ाई पर, इसलिए कि अब हमारे गांव में भेड़ बकरी भी अंग्रेजी बोले ना।
अंग्रेजी तो खाली सुमिंदर बोलेगा, सुमिंदर। कहाँ है वो? सर वो कहीं नजर नहीं आ रहा है, पर यहीं बैठा रहता है। मैं अभी उसे अंदर देखकर आती हूँ। सर मुझे लगता है कि उसको पता चल गया होगा कि पुलिस आने वाली है, इसलिए यहाँ से भाग गया होगा। पुलिस को देखकर तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, जरूर कहीं छुप गया होगा। आप एक काम करो, मेरा नंबर ले लो और जैसे ही अगर दिखाई दे तो पहले उसे पटक के मारो, फिर मुझे फोन करो, बाकी मैं सब देख लूंगा। सर मैं सर, मैं कैसे मारूंगा उसे? आई हेट वायलेंस। आप जैसे ये छुई-मुई टाइप लोगों की वजह से इन बदमाशों का मन भरता है। अरे सुनो, इधर आओ। यहाँ सोमेंद्र नाम का लड़का बैठा रहता है ना, तुमने देखा उसको? नहीं सर, मैं उसे नहीं जानता। ए, तुम लोग जानते हो उसको? जाओ। मैंने उसे अंदर भी देखा पर वो अंदर भी नहीं है। ये तो बड़ा कलाकार मालूम हो रहा है। एनीवे, दोबारा अगर नजर आए तो मुझे फोन कर देना। जी। इतना तो कर सकते हो? जी। चलो रे। क्या ही है सब? अब हम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर गुंडे से लड़ते फिरे? इट्स टू मच यार। हम पढ़े लिखे लोग हैं, कागज कलम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमसे वॉयलेंस नहीं हो पाएगा। पांव छूते ठाकुर साहब, पांव छूते हैं काबे? हैं कौन आसमान में लटके हैं? पांव छूते, आओ छुओ। आपके नाम की स्पीड पोस्ट आवा है। कहां से आवा है? दिल्ली से। प्रधानमंत्री कार्यालय का तो ना, ना सुमिंदर का है। हाँ, उनका कोई पढ़ाई लिखाई का कागज लागा थे। ले लीजिए ठाकुर साहब, या साइन कर दीजिए। छोड़ छोड़, गड़बड़ हो जाएगा। चलते ठाकुर साहब। राम। हाँ हाँ हाँ, खुश हो। बोलता है स्पीड पोस्ट और आता है साइकिल से। ठाकुर साहब, सब खैरियत है ना? है, हट साल, छो खैरियत तो दिया। पहले जा मेहरारू को लतिया के खाना खा। चल जा, जा, जा। ठीक, ठीक है सर। प्रणाम। हाँ, हाँ प्रणाम। भाई क्या है, अंग्रेजी देखते तलवा में आग लग जाता है। हिंदी में होता तो कुछ टूट आके पढ़ियो लेते। कौन पढ़ेगा? हाँ इंदिरा बेटिया तो पांचवा पास है। इंदिरा बेटी, इंदिरा। दुष्यंत, क्या बात है? दाल भात है, खाएंगे? बेहुदा। ए बेटी, ओ इंदिरा। बाबूजी आ रहे। जल्दी आ।
बाबूजी क्या हुआ? बेटा ये दिल्ली से रजिस्ट्री आई है, अंग्रेजी में है। पढ़ के बता तो क्या लिखा है? अंग्रेजी? बाबूजी हमें अंग्रेजी थोड़ी ना आती है, आपने तो बस हमें पांचवी तक ही पढ़ाया है और सरकारी स्कूल में अंग्रेजी छठवीं क्लास से पढ़ाई जाती है ना, हमें नहीं आती अंग्रेजी। बाबूजी ये सरकारी कागज है का? तू का झांक रहा है? पांचवी पास पढ़ ना सके तू पढ़ पाएगा तीसरा फेल है? दिखाए अंग्रेजी में है, बेहोश हो जाएगा। तू पीछे हट। अरे बच्चों को पढ़ाए लिखाए होते ना तो ये चिट्ठी अजूबा ना लगती। हम तो तुमको भेजे थे भैया पाठशाला पढ़ाई करने, बाकी तुम भाग जाते थे जंगल बन मुर्गी पकड़ने। मजा आता था। पैक 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 पैक। मजा आता था। जैसा बाप अनपढ़ वैसा बच्चों को बना दिया, पढ़ाया ही नहीं। झूठा देखो, झूठ बोल रहे हैं। और सुमिंदर किसका बेटा है जो पढ़ रहा है दिल्ली पे? अरे ता इन दोनों को भी पढ़ा देते तो का होता, काहे की पैसा खर्च हो जाता, इतना बुद्धि नहीं है का? और सुमिंदर पढ़ रहा है ना दिल्ली, वो इस पूरे परिवार का चिट्ठी बांच देगा। और इसको इसको भेजे नहीं थे स्कूल, तीसरे में फेल हो गया। अब गधा को चाहे जितना पढ़ा दो घोड़ा नहीं बन जाता। और देवी, देवी को बाहर नहीं भेजा जाता, पांचवी तक पढ़ ली देवी प्रसन्न है ना। आता भी चिट्ठी को देख देख के खुश होते रहो। सेरावा सेरावा ना तो रामपुर से हेडमास्टर साहब को बुलाओ, वो बढ़िया से बांच देंगे चिट्ठी। नहीं ठीक कह रहे हैं। अरे पता नहीं अंग्रेजी में क्या लिखा, हमको तो डर लग रहा है। ये सुमिंदर फिर फंसा तो नहीं दिया? उसके चक्कर में छोटो कोठरी बना चुके हैं, अब नहीं करेंगे। हाँ। अरे इतना काहे डरा रहे हैं, हो सकता है सुमिंदर बच्चों कोई अच्छा काम कह दिए हो, वही का खबर हो। क्या बात है, फालतू औरत पहली बार कोई सही बात बोली है। वाह, तुमको भी सुमिंदर हमारी तरह बहुत पसंद है। हाँ बहुत सुंदर। बुला हेडमास्टर को। जी बाबू जल्दी। इसकी बाइक की हवा निकालो बे। क्यों बे? फिर चले आए? बोला था ना यहाँ पे ना आने को। तुम ठीक नहीं कर रहे बे। तो तुम ठीक कर दो। हाँ दाओ हमारी लपड़ियां कैसी लग रही है? खबरदार जो उस पे हाथ उठाया था। बे हटा घसीट के इस लौंडिया को, बहुत बोल रही है। अरे नहीं ये तो बैकग्राउंड म्यूजिक है। वैसे भी स्त्री जात पर हम हाथ नहीं उठाते और ना ही किसी को उठाने देते, ये हमारे असूलों के खिलाफ है। तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसी है उस पे हाथ उठाने की? तुमने उसे छुआ भी कैसे? अरे अभी छुआ कहाँ है, अभी तो सिर्फ लपड़ियां दी हैं और इसके लिए कोई हिम्मत की जरूरत नहीं है। ये तो वैसे भी आधी सांस लेने वाला लौंडा है, कहीं दो चार रख के दे दिए तो वो भी लेना बंद कर देगा। तुम बताओ इसे साथ में लेकर कहाँ घूम रही हो? ये कॉलेज है ना, या पढ़ने आती है बॉयफ्रेंड को घुमाने? और वो भी ऐसा बॉयफ्रेंड जो तुम्हें दूसरों लड़कों से बचा नहीं सकता है। सुनो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चुप साले चुप। देखने का सुमेंद्र भाई बात कर रहे हैं, बीच में क्यों मेंढक की तरह कूद रहा है? और मार खानी है क्या? हमारी बात समझ में आ गई है तो जाइए, अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए, फ्यूचर बनाइए। बे मतलब इस बाजी करने से कुछ नहीं होगा, इस लल्लू लाल को अपने पीछे मत लेके घूमो। अरे अभी स्टूडेंट है, स्टूडेंट बन के रहिए, सादा जीवन ऊंच विचार। हाँ हमारी बात समझ में आ गई होगी तो खुश रहेंगी, वरना हम रुलाने का एक मौका नहीं छोड़ेंगे, भले ही बाद में आंसू पोंछने के लिए रुमाल हमें ही क्यों ना देना पड़े।